आप में से बहुत सारे लोगों के ये सवाल रहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं आ रहा है। कुछ के सवाल होते हैं, मेरे पास पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं है। और कुछ के सवाल ये होते हैं कि मेरे पास पैसा आता भी है, मैं उस पैसे को रोक भी लेता हूं, लेकिन कभी भी एक अमाउंट से ऊपर मैं पैसे को जो है बढ़ा नहीं पा रहा हूं, यानी कि बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है, मल्टीप्लाई नहीं हो पा रहा है। ये जो सारे सवाल है ना, इन सारे सवालों में एक बात कॉमन है, पैसा। और पैसा आज की जिंदगी में हर व्यक्ति की जरूरत बन चुका है, ये सभी जानते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं विस्तार से आपको पैसे को कैसे अपनी तरफ आकर्षित किया जाता है, पैसा कैसे जिंदगी के अंदर आता है, इसके लिए कुछ उपाय, कुछ सूत्र बताने वाला हूं। और जिन्हें जानकर के आपको यह महसूस हो जाएगा कि हां, वाकई में हमारी कैपेसिटी थी पैसा पैदा करने की और हम मेहनत भी कर रहे थे, लेकिन मेहनत करने के बाद भी, बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने के बाद भी यदि पैसा नहीं आ पा रहा था तो ये वजह थी उसके पीछे। ये सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा, तो आराम से इस वीडियो को पूरा देखिए। नमस्कार, मैं पंडित दिवाकर वशिष्ठ और आप देख रहे हैं जीवन दर्पण ज्योतिष। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हो कि पैसा आज के समय पर ना हर किसी की जरूरत है, बिना पैसे के कोई काम नहीं होता है। लेकिन जो पैसा है, ये पैसा पैदा करने के लिए ना हर आदमी अपने स्किल से, अपनी तरफ से पूरी पूरी मेहनत करता है, लेकिन उसके बावजूद भी पैसा या तो आता नहीं है या पैसा कहीं ना कहीं रुकता नहीं है या मल्टीप्लाई नहीं होता। तो अब ऐसे में हमें क्या करना है, क्या देखना है? सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि पैसा देने वाली तीन दिशाएं हैं। जी हाँ, जन्म कुंडली के अंदर तो पैसा जिस भाव से देखा जाता है वो सेकंड हाउस होता है, लेकिन यहां पर मैं आपको कुछ और बताने वाला हूं। मैं आपको बताने वाला हूं कि कभी कभी हमारी जन्म कुंडली के अंदर योग तो होता है पैसा प्राप्ति का, लेकिन हमारे रास्ते में कोई ना कोई रुकावट, कोई ना कोई रोड़ा जरूर अटका रहता है। वो क्यों होता है, इसको मैं बड़े विस्तार से आपको समझा रहा हूं कि तीन दिशाएं होती हैं घर के अंदर पैसा जो देती है हमको। उसमें से पहली दिशा है पश्चिम दिशा, दूसरी दिशा है उत्तर दिशा, तीसरी दिशा है आग्नेय दिशा, जिसको अंग्रेजी में साउथ ईस्ट कहा जाता है, आग्नेय दिशा है, उत्तर को नॉर्थ कहा जाता है और पश्चिम को वेस्ट दिशा कहा जाता है। ये तीन ही दिशाएं हैं जिनसे पैसा हम तक पहुंचता है, कहीं ना कहीं हमारे काम के माध्यम से पैसा इन दिशाओं के मार्फत हमारे तक आता है। जब इन तीन दिशाओं में कुछ ना कुछ कमी हो जाए, यानी कि हम कुछ ना कुछ इन दिशाओं को खराब कर लें कैसे भी करके, तब हमारे पास पैसा आना बंद हो जाता है, या पैसा आता है तो फिर वो टिकता नहीं है, और यदि पैसा आके रुक जा रहा है और मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, पैसे से पैसा पैदा नहीं कर पा रहे हो आप, तो इन तीनों लक्षणों में ये तीन दिशाएं जिम्मेदार होती हैं। मैं यहां पर वास्तु के कॉन्सेप्ट को लेके तो चल रहा हूं, लेकिन मैं आपको कोई उलझाऊंगा नहीं कि कोई बड़े उपाय में, मैं आपको बहुत सिंपल उपाय दूंगा और बहुत चमत्कारिक उपाय आपको दूंगा। आप किसी भी प्रोफेशन में से ही, चाहे आप शेयर मार्केट के प्रोफेशन में हो, चाहे आप कोई बिजनेसमैन हो, चाहे आप जॉब करते हो, लेकिन अगर आप ये देख रहे हो कि भाई मैं जॉब करता हूं लेकिन मेरी बहुत समय से मेरा प्रमोशन अटका हुआ है, प्रमोशन हो तो मेरे को पैसा बढ़े, या कोई नई जॉब मेरे को मिले जो बहुत अच्छे पैसे की हो, या मेरे को कोई जॉब ही मिल जाए जिससे कि कम से कम पैसा तो आए, लेकिन ये सब नहीं हो पा रहा है। आप बिजनेसमैन हो और आप देख रही हो कि भाई मैं बहुत सारा पैसा लगा के बैठा हूं मेरे बिजनेस के अंदर, लेकिन मेरा बिजनेस कहीं ना कहीं ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, कहीं ना कहीं रुकावट आ रही है, मेरे पास क्लाइंट्स नहीं है, और क्लाइंट आते हैं लेकिन मुझसे सामान लेके नहीं जाते। तो ये तीन दिशाएं इसके पीछे जिम्मेदार हैं। तो सबसे पहले आप अपने घर में ये देखो कि जो तीन दिशाएं मैंने बताई हैं, यहां पर कोई कमी तो नहीं है। जैसे कि इन तीन दिशाओं को एक चीज कॉमन है जो बिगाड़ देती है, एक चीज कॉमन है और वो है टॉयलेट। जी हां, यदि पश्चिम दिशा में, उत्तर दिशा में और साउथ ईस्ट दिशा में, यानी कि आग्नेय कोण में टॉयलेट बना हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं इस बात का सूचक है कि इन दिशाओं को ये खराब कर रहा है, पहली चीज। दूसरा, अगर हम देखें तो हम ये देखेंगे कि रसोई घर यानी कि किचन, अगर पश्चिम दिशा के अंदर और उत्तर दिशा के अंदर रसोई बनी हुई है तो भी आपका कहीं ना कहीं जो है आपकी दिशा खराब हो रही है। साउथ ईस्ट के अंदर किचन अच्छी मानी जाती है तो वहां कोई दोष नहीं है। इसी प्रकार से ये चेक करिए कि पश्चिम दिशा में दो रंग तो नहीं है, यानी कि लाल रंग, पहला लाल रंग और दूसरा हरा, यानी कि रेड कलर या फिर ग्रीन कलर,
पश्चिम दिशा में तो नहीं है, पेड़ पौधे तो नहीं लगा रखे आपने पश्चिम दिशा में, ये पहचान मैं आपको बता रहा हूं, पहले अपनी घर की दिशाओं को चेक कर लीजिए। उत्तर दिशा को अगर आपको देखना है तो मैंने आपको बताया कि आप किचन चेक करो, आप वहां पर जो है वॉशरूम चेक करो, साथ ही साथ आप वहां पर रेड कलर या फिर आप वहां पर येलो कलर चेक करो कि ये रंग तो यहां पर नहीं हो रखे हैं। बात करेंगे साउथ ईस्ट के, तो यहां पर आप चेक करो कि यहां पर वॉशरूम तो नहीं है, यहां पर नहाने के लिए बाथरूम तो नहीं है, यहां पानी का कोई स्रोत तो नहीं है, इसको आप चेक करिए। साथ ही साथ आप यहां पर चेक करिए कि यहां पर कहीं भी स्काई ब्लू कलर, ब्लैक कलर या यहां पर जो है ब्लैक कलर या स्काई ब्लू कलर तो नहीं है, नीला कलर तो यहां पर नहीं आ रखा है, इसको आप जरूर चेक कर लीजिए। तो इस प्रकार से आप ये देखेंगे कि हमने तीनों दिशाएं चेक कर ली। अब साउथ ईस्ट को चेक करने के लिए एक चीज और देख लीजिएगा कि यहां पर इन कलर के अलावा यदि येलो कलर भी है साउथ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर तो भी ये दिशा आपकी खराब हो जाएगी। सेप्टिक टैंक बना हुआ है तब भी ये जो तीनों दिशाएं मैंने बताई हैं, सेप्टिक टैंक होने से ये तीनों दिशाएं खराब हो जाती हैं। तो इनमें से कोई भी दोष पहले आपने पाया कि हाँ हमारे घर के अंदर ये दोष बन रहा है, तो जब बन रहा है तो फिर समस्या तो पैदा होगी धन की। आप मेहनत कर रहे हो लेकिन पैसा नहीं आ पा रहा है तो समस्या तो जरूर देगी ये दिशा, फिर आपको कहीं ना कहीं उन्नति करने से रोकेगी, पैसे की प्राप्ति से रोकेगी, क्योंकि पैसा देने वाली दिशाएं ये हैं, इनमें खराबी आ गई तो फिर क्या होगा। एक बात, अब इनको सही कैसे करेंगे, ठीक कैसे करेंगे, तो पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। बहुत सारे लोग मेरे को कमेंट करते हैं, वो कहते हैं कि अरे इन चीजों से कुछ नहीं होता, इन उपायों से कुछ नहीं होता, वो नहीं होता, ये नहीं होता। मैं आपको बता देता हूं, देखिए चाहे हम वास्तु के अकॉर्डिंग चीजों को ठीक करें अपने घर में, चाहे हम ज्योतिष के मार्फत करें, चाहे हम अंक ज्योतिष के माध्यम से अपनी किस्मत को ठीक करें, किसी भी तरीके से कर लीजिए, करना तो कहीं ना कहीं अपने ऊपर ही हम काम कर रहे हैं। ठीक है, जिस प्रकार से रोग को खत्म करने के लिए चाहे आप एलोपैथिक इस्तेमाल करो, होम्योपैथिक इस्तेमाल करो, चाहे आयुर्वेदिक मेडिसिन लो, तो कुल मिलाकर के आप ले तो मेडिसिन ही रहे हो ना, उसकी पद्धतियां अलग अलग हैं और इसी कारण से वो सारी चीजें काम तो हमारे रोग पर ही करती हैं। इसलिए जो भी उपाय बताए जाते हैं वो काम आपके ऊपर कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं। तो छोटे और बड़े उपाय से कोई मतलब नहीं होता, बात होती है सही और सटीक उपाय मिलने की। ठीक है ना, तो यहां पर जब आपने दोष को चेक कर लिया, डिफाइन कर लिया कि हाँ भाई ये दोष हमारे घर के अंदर इन दिशाओं में है, तब आपको क्या करना है। लेकिन उससे पहले एक चीज और चेक कर लीजिएगा, आपके घर की नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, हो सकता है कि इन तीन दिशाओं में कोई दोष ना हो लेकिन नॉर्थ वेस्ट में आपने अपनी तिजोरी रखी हो, चाहे अपने शोरूम पर, दुकान पर, चाहे घर के अंदर आपने पैसा रखने की जगह अगर आपने नॉर्थ वेस्ट बना रखी है अपनी वाइब अकाउंट, तो उसे चेक कर लीजिएगा, क्योंकि वहां आने पर पैसा निकल जाता है, रुकता नहीं है, यानी कहीं ना कहीं टिक नहीं पाता पैसा। ठीक है, तो इसे भी चेक कर लीजिएगा। लेकिन जो कमियां मैंने बताई वो इन तीन दिशाओं में आप चेक कर लेना कि इसमें से किसी दिशा में कोई कमी तो नहीं आ रही है। अब इनको कैसे सही करेंगे, आप घर बैठे ठीक कर लोगे इनको। और याद रखना जो मैं उपाय देने जा रहा हूं, ये तीनों ही दिशा में एक साथ अप्लाई कर देना, चाहे वहां पर दोष मिले तब भी और दोष ना मिले तब भी वहां पर ये अप्लाई जरूर कर देना इस रेमेडी को जो मैं आपको देने जा रहा हूं। तो ये दिशाएं और स्ट्रांग होकर के आपको शुभ फल देंगी, और यदि यहां पर ये दोष मौजूद है तब आप कर दोगे तो फिर तो कहना ही क्या, पर तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि अगर आपके इन दिशाओं के अंदर ये परेशानियां मौजूद हैं तो उनको पहले, अगर वो वहां से हट सकती हैं चीजें तो हटा लीजिएगा, और हट नहीं सकती हैं तो फिर आपको क्या करना है, फिर आपको ये रेमेडी लगा देनी है, बहुत अच्छी है। देखिए अगर पश्चिम दिशा के अंदर दोष पाया आपने, ठीक है ना, तो आपको वहां पर क्या करना है, आपको वहां पर एक नमक आता है, इसको हम कहते हैं काला नमक। जी हाँ, काला नमक, क्योंकि ये पश्चिम दिशा शनिदेव की है और जो काला नमक है वो भी रिलेट करता है शनिदेव से, और नमक जो है ना वो नेगेटिव एनर्जी को खत्म कर देता है। नमक किसी भी रंग का हो लेकिन वो एनर्जी को खत्म करने के, नेगेटिव एनर्जी को खत्म करने के काम आता है, पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने का काम करता है नमक। तो क्या करना है, काले साबुत काला नमक लेना है आपको, ठीक है ना, वजन कुछ भी हो सकता है इसका, लेकिन मैं कोशिश करिएगा कि 200-300 ग्राम तो कम से कम होना ही चाहिए वजन में एक अंदाज से। तो काला नमक लेना है और अपने घर की पश्चिम दिशा में रख देना है। अगर वहां टॉयलेट बना हुआ है तो वॉशरूम के अंदर रख दीजिए, किसी कांच के प्याले में रख करके उसको। वॉशरूम नहीं है, किचन है तो वहां रख दीजिए कांच के प्याले में, और कुछ भी नहीं है, पश्चिम दिशा आपकी साफ सुथरी है तो वहां पर उसको स्टोर कर दीजिए, यानी कि वहां पर उसको स्थापित कर दीजिए, ठीक है ना, काले नमक को पश्चिम दिशा के अंदर। अब आते हैं उत्तर दिशा में, नॉर्थ डायरेक्शन में। नॉर्थ दिशा में अगर आपने
कहीं ना कहीं चेक किया कि वहां किचन है या वॉशरूम बना हुआ है वहां पर, ठीक है ना, या वहां पर सीढ़ियां ही जा रही हैं, इससे भी दोष बनता है, सीढ़ियां ही आ रखी हैं, और या सेप्टिक टैंक वहां पर आपने दे रखा है, तो आपको क्या करना है, फिर आपको लेनी है सफेद रंग की फिटकरी। जी हाँ, व्हाइट कलर की जो फिटकरी आती है वो लेनी है, क्योंकि ये फिटकरी बुध ग्रह की है और उत्तर दिशा के स्वामी भी बुध ग्रह हैं। देखिएगा, मैं कहीं ना कहीं आपकी कुंडली के ग्रह जो भी होंगे ना, जब आप अपने घर में दोष देखोगे तो वही ग्रह कुंडली में भी कहीं ना कहीं खराब फल के अंदर चला जाता है, अगर घर में ये दोष मौजूद हो तो, और कुंडली में वो ग्रह अच्छा है और घर में दोष बना के बैठे हो तो वो ग्रह आपको फल नहीं दे पाएगा, ठीक है ना। तो इससे आपकी कुंडली के ग्रह भी शुभ हो जाएंगे जब आप ये करोगे तो। तो शनि ठीक हो जाएंगे, इससे बुध को ठीक करना है। कैसे करना है कि सफेद रंग की फिटकरी लेनी है, वही एक साबुत फिटकरी लेनी है आपको 200-300 ग्राम के आसपास, और उसे लेकर के आप वहां पर उसको स्थापित कर दीजिए, रख दीजिए। वॉशरूम है तो उसके अंदर, किचन है तो उसके अंदर, रहता ऐसे ही रख दीजिए, कोई दोष नहीं है तब भी रख दीजिए, दिशा ही मजबूत होगी, इससे आपकी नुकसान कुछ नहीं होगा। फिर अब बचती है हमारी जो है साउथ ईस्ट दिशा, यानी कि आग्नेय कोण। अब आग्नेय कोण में वॉशरूम है, बाथरूम है, कुछ भी आपने बना रखा है, कुछ भी नेगेटिव ऐसा कुछ वहां पर दिखता है आपको, जैसा मैंने बताया अभी आपके लिए, तब आपको क्या करना है कि एक फिटकरी और आती है। जी हाँ, एक फिटकरी और आती है जिसका रंग होता है गुलाबी, पिंक कलर की। जी, पिंक कलर की आपको फिटकरी लेनी है, ठीक है ना। और अगर पिंक कलर की फिटकरी आपको नहीं मिलती है तो फिर एक नमक आता है, लाहौरी नमक, जो हल्का सा पिंकिश होता है, सफेद रंग और जो है हल्का सा गुलाबी रंग मिक्स होता है उस नमक के अंदर, तो वो नमक भी आप ले सकते हो, लेकिन बहुत जल्दी ना वो सीलने लगता है, इसलिए अगर फिटकरी मिल जाए गुलाबी वाली तो अति उत्तम है, दोनों में से कोई भी ले सकते हो। तो गुलाबी वाली फिटकरी लेनी है और उसको अपने घर के आग्नेय कोण में स्थापित कर देना है, रख देना है उतने ही वजन में, जैसे मैंने कहा। इन तीनों दिशाओं के अंदर इन तीन चीजों को आप स्थापित कर दो, आपकी कुंडली के अंदर जो ग्रह है ना वो भी शुभ फल देने लग जाएंगे आपको, साथ ही साथ आपके घर का वास्तु भी सुधर जाएगा। और फिर जब आप मेहनत करोगे, पैसा, देखिए इन चीजों से पैसा नहीं आएगा, पैसा आने में जो बाधाएं थी उनको ये चीजें दूर करेंगी, आपकी बाधाओं को दूर करेंगी, ये आपको पैसा नहीं दिलाएंगी, बल्कि मेहनत आप करोगे और जो रास्ते खोलने का काम करेंगी, आपके पास लोग आएंगे, आप लोगों से मिलोगे, आपके रास्ते बनेंगे, आपके माध्यम बनेंगे, इन उपायों से माध्यम ही बनते हैं, कभी धन बरसता नहीं है। लोग कहते हैं भाई अपने लिए कर लो, हमारे तुम्हारे पे ही धन आ जाए पहले। भाई मेरे पे धन आ रहा नहीं आ रहा कैसे पता है आपको? नहीं मालूम ना। तो इसलिए कभी भी ऐसे कमेंट मत करिए, आप जब तक मेरे बारे में जानते नहीं है किसी चीज को लेकर, तब तक कमेंट क्यों कर रहे हैं मेरे पास पैसा आ रहा है अथवा नहीं आ रहा है, ठीक है ना। ये बात को समझिए कि उपाय जो होते हैं ना वो हर किसी के लिए होता है, चाहे वो ज्योतिषी सही, चाहे वो एक आम आदमी सही, हम ज्योतिषी भी बहुत सारे उपाय करते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए जो उपाय हम आपको दिए जा रहे हैं, अभी आप किसी डॉक्टर से अगर ये कहने लग जाओ कि भैया डॉक्टर साहब ये जो गोली मेरे को दे रहे हो ना पहले तुम खाओ, तो ये संभव है क्या? जरूरी है जो बीमारी आपको है वो डॉक्टर को भी हो? ऐसा संभव नहीं है। तो इसलिए इस तरह के कमेंट से बचिए और श्रद्धा रख करके, थोड़ा सा विश्वास रख करके आप उपायों को करिए, क्योंकि कोई भी ज्योतिषी आपका अहित नहीं चाहेगा, हर व्यक्ति अपना आपका हित चाहेगा, आपका कल्याण की ही बात करेगा। तो आपके कल्याण के लिए ही हम लोग जो है आपको ये उपाय वगैरह देते रहते हैं, ठीक है ना। और इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप इन उपायों को करिए और आप फिर रिजल्ट इसके देखिएगा, आपको निश्चित तौर पे फायदा मिलेगा। मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूं, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जाके ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा और बताइएगा आपने अपने घर में किस दिशा में क्या दोष पाया, ये मेरे को कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। वीडियो को जरूर आगे बढ़ा दीजिएगा, जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप किसी को भेजते हो तो उसका भी फायदा होता है। जल्दी मिलता हूं आपसे, तब तक अपना ध्यान रखिए, नमस्कार।